हेलो फ्रेंड, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसको कर लेंगे तो आपके पूरे शरीर में ताकत आ जाएगी, अलग से एनर्जी आ जाएगी, बाल नहीं झड़ेंगे, बाल पकेंगे नहीं, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा, मेमोरी पावर यानी दिमाग उनका तेज हो जाएगा, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी पूरे शरीर की, जो चलने फिरने में बहुत से लोगों को दिक्कत होता है वो नहीं होगा। तो इसको कौन कौन कर सकता है? बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, नौजवान पुरुष कर सकते हैं, लड़कियां कर सकती हैं, औरतें कर सकती हैं इत्यादि। तो आइए बात करते हैं नुस्खे की। तो आपको लेना है 5 बादाम, 5 खजूर, चुटकी भर यानी 1 ग्राम हल्दी पाउडर लेना है। फिर से बता देते हैं क्या क्या लेना है। 5 बादाम लेना है, 5 खजूर, चुटकी भर हल्दी पाउडर यानी 1 ग्राम। इन सभी चीज़ों को लेकर पेस्ट बना लेना है पीस कर। फिर आपको दूध में खौला लेना है, 1 कप दूध में 5 मिनट तक खौला लेना है। बहुत से लोगों को हल्दी का स्वाद अच्छा नहीं लगता है, तो 5 मिनट दूध में खौला लेने से हल्दी का स्वाद कम हो जाएगा। तो इसको आप कब ले सकते हैं? खाली पेट ले सकते हैं और दिन में भी ले सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार शहद मिला लीजिए, गुड़ मिला लीजिए, दाल मिश्री मिला लीजिए, लेकिन शुगर यानी चीनी नहीं मिलाना है, शक्कर नहीं मिलाना है आपको। बस यही 3 चाय दाल मिश्री मिला लीजिए, या शहद मिला लीजिए, या गुड़ मिला लीजिए। तो हम इसी पर अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। आप एक घरेलू नुस्खा करके आजमा कर देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए नुस्खा, ताकि लोग बीमार ना हो। पहले क्या होता था, हमारे दादा परदादा दादी नानी घरेलू नुस्खा बनाती थी और पहले लोग 100-100 साल तक जिंदा रहते थे, लेकिन आज सब 70-75-80 साल में ही बूढ़े हो जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं। यह वीडियो दूसरों को भी दिखाएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। धन्यवाद दोस्तों।